हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले हैं और कल उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहली बार वो अपने घर से निकल रहे हैं, सीधे भोपाल जाएंगे और भोपाल में उनका एक मेगा रोड शो होगा। रोड शो होगा एयरपोर्ट से लेकर भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक। पहली बार बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृह राज्य जा रहे हैं और वो भी देश प्रदेश की राजधानी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद है, जिनकी कल खबर संसद में सुर्खियां बनी थी। आशीष, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं या उनका और भी कुछ कार्यक्रम है स्थानीय दिल्ली में स्थानीय लोगों से मिलने का? हाँ विकास, अभी फिलहाल जो हमें जानकारी दी गई है उनके घर से कि वो स्थानीय फिलहाल लोकल कहीं निकले हैं। संभवतः उनका लोधी होटल में, आप जानते हैं, एक जिम भी है जहां वो अक्सर विजिट करते हैं। आज गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, अब से कुछ देर पहले यहां से निकले हैं। कुछ देर में वो वापस घर आएंगे और उसके बाद भोपाल के लिए निकलेंगे, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ग्रैंड वेलकम की तैयारी है, रोड शो की वहां पर तैयारी की गई है। तो अभी फिलहाल कहीं लोकल निकले हैं, उसके बाद वापस आएंगे। दो दिन से ड्राइविंग सीट पे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी में शामिल होने के बाद पीछे वाली सीट पे क्यों चले गए कांग्रेस के? ये तो बड़ा सवाल है ना। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आते हैं और मैं उनसे पूछ सकता हूं तो मैं आपका सवाल जरूर उनसे पूछूंगा, लेकिन ये बड़ा यूनिक है। अक्सर आपने भी देखा है विकास, संसद में वो खुद ड्राइव करके आते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर जाते हैं और लगातार दो दिन से जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि वो खुद ही ड्राइव करके जा रहे थे ब्लूटूथ लगा करके बड़े स्टाइलिश अंदाज में। लेकिन आज मैंने देखा कि बड़े कामली पीछे बैठे हुए थे, मोबाइल पे कुछ देख रहे थे और आगे उनका पीएसओ और ड्राइवर बैठ करके गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो मुझे लगता है अब रिलैक्स हो गए हैं, जो उनको पॉलिटिकल कदम उठाना था बड़ा वो उन्होंने उठा लिया है और अब उनको इस बात की चिंता है कि भाई देखें किसी तरह से। मुझे जो लगता है सूत्रों के आधार पर कि पूरी कोशिश की जाएगी कि कमलनाथ सरकार गिरे, अब पूरा दिमाग उसी पर उनका रिवॉल्व होना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि पीछे बैठे थे और मोबाइल पे लगे हुए थे, अब कुछ देर में वो आते हैं तो मैं सवाल को उनसे पूछ करके आपको बताता हूँ कि आखिर वो अब आज गाड़ी खुद क्यों नहीं ड्राइव कर रहे थे। हम भी बदलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, लगातार दर्शकों को हम बता दें कि अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है और भोपाल से बीजेपी दफ्तर से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ बने हुए, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। इन सब के बीच आपको बता दें, कांग्रेस से इस्तीफे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सिंधिया भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर भी आ रहे हैं। ब्रजेश, हमारे एक और सहयोगी सीधे लिए चलते हैं आपको उनके पास, भोपाल में हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, क्या तैयारी? जमकर तैयारी है भोपाल के दफ्तर पे हम हैं यहाँ पे और जो सिंधिया है उनके रेड कारपेट वेलकम की तैयारी हम देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देखिए, पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ और पीछे लाल कुर्सियां भी आज लाल ही रखी गई हैं यहाँ पे और यहाँ पर एक सभा होगी। तकरीबन 4 बजे भोपाल एयरपोर्ट से उतर के उनका यहाँ बीजेपी दफ्तर तक एक रोड शो होगा और रोड शो के बाद फिर वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा होंगे। शहर में उनके स्वागत के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और हम सब लोग जो राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं और ये वक्त है बदलाव का, देख रहे हैं कि कैसे वक्त बदला है कि इन्हीं सिंधिया के पोस्टर पहले कांग्रेस के होर्डिंग्स पर लगे होते थे और मगर अब जो बीजेपी के होर्डिंग्स पर लगे हैं तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये देखने आ रही है कि सिंधिया का जो एक स्टाइल है, जो उनका एक खास पट्टा होता है जिसमें तिरंगा जो आंध्र प्रदेश के जैसे लगाते हैं, उस फोटो को उठा के लगाया गया है। यानी आमतौर पर बीजेपी नेता भगवा पट्टा लगाते हैं मगर सिंधिया की पहचान है वो तिरंगा वाला पट्टा लगाते हैं। तो यहाँ के जो होर्डिंग्स लगे हैं उनमें तिरंगा पट्टे वाले सिंधिया भगवा पट्टे वाली पार्टी में चले आए हैं। तो निश्चित ही आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए भी और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी। जी, तो आप हमारे साथ बने रहिए ब्रजेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि देखिए स्वागत की तैयारियां हो रही हैं लेकिन इस बीच विरोध की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए सच तो ये है कि कमलनाथ सरकार संकट में है, कितना भी डिनाई कर ले लेकिन खतरे की घंटी उनके लिए बज रही है, उनकी सरकार के लिए बज रही है। तो कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखने वाले हैं जिससे आप समझ सके कि मध्य प्रदेश सरकार की मौजूदा स्थिति आखिरकार क्या है। भले ही कितने ही दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हो लेकिन सच तो यही है देखिए कि कमलनाथ सरकार को हो सकती है तकलीफ, हो सकती है उनके लिए चिंता की बात। तो देखिए आंकड़े आपके सामने, विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर टोटल स्ट्रेंथ है 230 सदस्यों की, इसमें अभी 114 कांग्रेस के विधायक हैं। एमपी विधानसभा का गणित हम आपके सामने रख रहे हैं, 107 बीजेपी के विधायक हैं, ये भी हम आपको बता दें। ये अभी की स्थिति आपकी, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर बात करें अभी 228 है, 230 नहीं 228 है, 2 सीटें खाली है। बहुमत का आंकड़ा ऐसे में हो जाता है 115 का,
लेकिन देखिए स्थिति क्या हो गई, स्थिति ये हो गई कि 22 विधायक हो गए बागी, तो अब कांग्रेस के खाते में बचे सिर्फ 92 विधायक। तो ऐसे में अब कमलनाथ सरकार के लिए बच गई है खतरे की घंटी। तो ये स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के लिए बनी हुई है, इसलिए तो हम लगातार पूछ रहे हैं कि ये जो स्थिति है इससे कब उभर पाएंगे, कैसे उभर पाएंगे कमलनाथ। देखिए हम जी मध्य प्रदेश सियासत की बात कर रहे थे और मध्य प्रदेश सियासत पर ही ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जयपुर से जुड़ेंगे मनीष शर्मा और आदेश रावल, और बेंगलोर से जुड़ेंगे जिनेंद्र कुमार। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।